बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाने के साथ बाबा ने अनेक प्रकार के तारे दिखलाई, कुछ स्थूल दिखाई देती थी, कुछ सूक्ष्म दिखाई देती थी। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज ये दृश्य दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बहुत ध्यान से देखना, इन तारों का भी बड़ा गहरा गुह राज है, और इससे ही तारों से ही सब कुछ चलता है। फिर बाबा ने एकदम दृश्य मर्ज किया, बाबा ने दिखाया कि बच्ची, आज की दुनिया, आज का समय जैसे बिजली का तार होता है, टेलीफोन का तार होता है, हर चीज, कोई भी चीज चलाते हैं, कोई भी साधन अपनाते हैं, सब तार से चलती है। यदि ठीक से लाइन जुड़ी नहीं होगी तो वो ऑन ऑफ होता रहेगा। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार आप बच्चों की बुद्धि की जो तार है, बाबा ने कहा वह तार तो फिर भी स्थूल रीति में दिखाई देती है, पर बुद्धि रूपी तार, सूक्ष्म जो तारे हैं, बाबा से लगन और प्यार की जो डोर है, बाबा ने कहा वह दिखाई नहीं देती। पर बाबा ने कहा कि उन बच्चों की दिखाई देती है जिनकी बुद्धि बहुत क्लियर होती है, साफ होती है, और जहाँ भी बैठे, जिस स्थान पर भी बैठे, जिस हाल में भी बैठे, हाल माना कोई हॉल की बात नहीं बाबा कह रहे हैं, कोई भी परिस्थिति में, तो बाबा ने कहा उन बच्चों का बुद्धि की लाइन, बुद्धि की तार बाबा से जुड़ जाए। यदि बाबा ने कहा कोई परिस्थिति आती है, जैसे उस तार में कभी कोई प्रकार की लीकेज होती है तो जलता नहीं है, तो बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों के पास कोई परिस्थिति की तार थोड़ी भी कटी होगी तो बाबा से जुड़ नहीं सकती है। इसलिए अभी बाबा के बच्चों को विशेष इस चीज का अभ्यास करना है, जिस प्रकार स्थूल चीजें तारों के आधार पर चलती है, तो बाबा के साथ में भी हम बच्चों का उसी प्रकार बुद्धि की लाइन जुड़ी रहे। क्योंकि बाबा ने कहा वह तारे फिर भी देखने में आती है, पर ये याद रूपी बुद्धि की तार देखने में नहीं आती। पर बाबा ने कहा बाबा के बच्चों की चलन से, व्यवहार से, कर्तव्य से, उनके नैनों से, रूहानियत से, बाबा ने कहा वह रूहानियत की जो चलन भी चलते हैं बच्चे, उससे मालूम पड़ता है इन बच्चों की कितनी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी हुई है। तो बाबा ने कहा आज सद्गुरुवार का दिन है, तो बाबा विशेष बच्चों के पास भी चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, और विशेष यह भी देखते हैं कि सद्गुरुवार के दिन विशेष बच्चों की तार भी बाबा से जुड़ी होती है। क्योंकि कई स्थानों पर अमृत बेले से ही बाबा के प्रति भोग बनाते हैं, भोग रखते हैं, भोग सजाते हैं, तो बाबा ने कहा उस भोग में भी वो भावना और शक्ति भर जाती है।
तो बाबा ने आज विशेष ये संदेश सुनाया और बाबा के सन्मुख तो कई आत्माओं की भी याद दी, तो बाबा ने भी उन्हें बड़े प्यार से बड़े स्नेह के साथ इमर्ज किया और बड़े प्यार से बाबा ने उनको इमर्ज करते मधुबन का भोग बूंदी स्वीकार कराया। बाबा ने कहा बाबा के घर के एक एक कणे का भी बहुत बड़ा महत्व है, एक कणा भी जैसे मंदिर में एक कणा दाना एक बूंद की अमृत का भी महत्व है, तो बाबा के घर में तो बाबा ने कहा एक का 100 गुना बाबा अपने बच्चों को भोग के द्वारा भी अनेक शक्ति देते हैं और बच्चे भी उस शक्ति का अनुभव करते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया और सभी फिर भाई बहनों को बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।